मान और सम्मान के योग्य है। मेरे साथियों, पिता समान हरियाणा प्रदेश की राजनीति के मसीहा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, मेरे बहुत ही सम्मानित प्यारे मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे चाचा चौधरी जगबीर मलिक जी, मेरे बहुत ही सम्मानित औरंग गुरु जी बोलता हूँ, जेपी जयप्रकाश अपने हिसार से सांसद भी रहे हैं, हम बचपन में इन्हीं से राजनीति के गुरु भेसी करवाते थे, और मेरे बड़े भाई बहुत ही सम्मानित डॉक्टर कपूर नरवाल जी और मेरे छोटे भाई इंदू नरवाल जी, सुरेंद्र पवार मेरे भाई सुरेंद्र पवार जी, भाई मास्क लग रहा है, सॉरी प्रॉब्लम, और बरौदा हल्का के सभी गांव से आए हुए मेरे सम्मानित मेरे पूजनीय मेरी दिल की गहराइयों से जो कार्यकर्ता है, ये सभी कार्यकर्ता भाई, मैं तो दो ही बात कहूंगा आपके बीच में भाई, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, टिकट की कोई बात नहीं है, क्या टिकट कुछ भी नहीं है, मैं पहले भी कहता था लोगों के बीच में सबको पता है, टिकट कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा मुख्यमंत्री की कुर्सी का, लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की। भाई सारे भाई इस भाई का साथ दो, तन मन धन का साथ दो, और मैं तो झूठा प्रचार कराई जरूर दरगा, मेरे आगे राजनीति चलता है, दुश्मन जो मारे हैं वो बड़े सतर्क है, वो चाहते हैं भाई मैं ब्राह्मण प्रचार फैला करके इनकी दूरियां फिर जाए, भाई कोई इस तरह का प्रचार कर उसको तुरंत पकड़ कर दूंगा, मैं फलाना आदमी बनूंगा, मैं फलाना आदमी खिलाफ पकड़ रहा है, तुरंत पकड़ कर उनका चीज जिसका नाम ले लूंगा तुरंत बुला बता की खिलाफ पकड़ते हैं। भाई मेरी ना एक आदत है बचपन से, मैं पीठ में छुरा नहीं मारता कभी भी, मैं तो लड़ाई लड़ता हूं आमने सामने की, भाई मैं भाई के साथ हूं, भाई के साथ रहूंगा भालू के साथ, भाई ये लड़ाई हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, और भाई दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के मान और सम्मान की लड़ाई है, हाँ हम विधायक रहे या ना रहे, प्रवक्ता हल्का की 36 बरादरी के लिए अगर किसी प्रवक्ता हल्का के मेरे कार्यकर्ता को पसीने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए खून देने के लिए तैयार होगा, और आज अपनी भाई अपनी औलाद में भी कह रहा भाई बरौदा हल्का का इतना बड़ा शान हमारे ऊपर, 36 बरादरी के कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा शान और हमारे ऊपर, इनका शान मैं उतार नहीं सकता, हाँ एक विश्वास और यकीन और भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों के लिए, अगर मेरे कार्यकर्ता के लिए कभी जरूरत पड़ी, अगर मेरे कार्यकर्ता के लिए मुझे अपनी खाल की जुत्ती बनवाने की जरूरत पड़ी तो अपनी खाल उतार कर जुत्ती बनवाने का विचार करूंगा। अरे भाई अरे सारे भाई सुना हो, मेरे कार्यकर्ता का मान सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो मैं अपने कार्यकर्ता के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होगा, और मैं पूरा ज्यादा बात नहीं करते हुए पूरा विश्वास यकीन और भरोसा दिलाता हूँ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को कि दिन रात मेहनत करके भाई दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, दिन रात मेहनत करके भाई ये धरा चुनाव है इनाम लड़ांगे और बस गलती ने पार लेकर जाएंगे, गलती में पल नहीं पार जाने की कोई शक नहीं, लेकिन ये वास कर ले जाएंगे पल्ला थोड़े रोक ले जाए, ठीक है भाई, कोई गलत बात निकल गया मेरे मुंह से, मेरी बात से अगर किसी भाई को कोई बात गलत लगी हो तो भाई मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, भाई मैंने कान में ले लिया साइड में ले लिया फिर तुम खा दियो, मैं थारा भाई आड़े रहूंगा, मैं फिर बता लेंगे ये तो नेता लोग, धन्यवाद जय हिंद।
ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।